गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में दो चैप्टर जो है हम लोगों ने हिस्ट्री से पढ़ा था, जिसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में मैंने आपको बताया, और फिर उसके बाद वाला जो नेक्स्ट चैप्टर था उसमें मौर्य एम्पायर के बारे में बताया। ठीक है, उससे पहले हम लोगों ने 12 चैप्टर तक कंप्लीट किया था, और फिर बीच में कुछ चैप्टर्स को छोड़ के, क्योंकि वो हिस्ट्री के बारे में बताना जरूरी था, इसीलिए मैंने आगे के चैप्टर्स आपको दो चैप्टर्स पढ़ाए। आज मैं कंटिन्यू करते हुए 12th के बाद 13 चैप्टर है अपना, उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, है ना सीरियली। तो 13 चैप्टर आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, और यह चैप्टर है आपका जिसका नाम है आवर इंडस्ट्रीज। इसमें हम लोग विभिन्न प्रकार के इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो चैप्टर हमारा है 13 चैप्टर, जिसको आज मैं शुरू कर रहा हूँ, आवर इंडस्ट्रीज। सबसे पहले इंडस्ट्री होता क्या है, इंडस्ट्री कहते किसको है, इसको हिंदी में हम लोग उद्योग कहते हैं, और इंडस्ट्री का काम है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना। इंडस्ट्रीज कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। इंडस्ट्रीज का हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा रोल है ना, हमारी जरूरतों को पूरा करती है इंडस्ट्री। इंडस्ट्रीज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दे ट्रांसफॉर्म द रिसोर्सेज इनटू मोर वैल्यूएबल गुड्स, दे ट्रांसफॉर्म द रिसोर्सेज इनटू मोर वैल्यूएबल गुड्स, यानी जो रिसोर्स है उसको कन्वर्ट करती है फिनिश गुड्स में, और वह मोर वैल्यूएबल गुड्स कहलाता है। गुड्स यानी सामान या वस्तु कहते हैं उसको हम लोग। ठीक है, इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री, द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज इन ए कंट्री डिसाइड द कंट्री प्रोग्रेस। अब किसी भी देश का विकास तभी होगा जब इंडस्ट्री का विकास होगा। अगर इंडस्ट्री का विकास होता है, प्रोग्रेस होता है, तो उस देश का भी विकास निश्चित है, डेवलपमेंट निश्चित है। हमारा देश क्या है, एक डेवलपिंग कंट्री है ना, जिसको विकासशील कहा जाता है, विकासशील देश कहा जाता है भारत को। वी आर मेकिंग ए स्टेडी प्रोग्रेस इन इंडस्ट्रियल सेक्टर, और हम लोग जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, यानी उद्योग के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, है ना। पिछले कई वर्षों में हम लोगों ने प्रोग्रेस किया है ना। इंडस्ट्रियल सेक्टर रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स इन फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री का संबंध फैक्ट्री से होता है, कारखाना जिसको कहते हैं, और उसी कारखाने में जो है रॉ मटेरियल से, कच्चे माल सामान से फिनिश गुड्स यानी तैयार किया जाता है सामान। ठीक है, प्रोडक्शन इज वेन वी चेंज रॉ मटेरियल टू फिनिश गुड्स फॉर कंजप्शन, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना ही प्रोडक्शन कहलाता है, है ना। और उस रॉ मटेरियल से जब फिनिश गुड प्राप्त होता है, उसको हम अपने इस्तेमाल में लाते हैं। ठीक है, इन आवर होम्स वी हैव वेरियस अप्लायंसेस लाइक द टेलीविजन, टेलीफोन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, फैन, गैस स्टोव एक्सेट्रा विच मेक आवर लाइफ कंफर्टेबल। हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी ज़रूरत हमें पड़ती है ना, और जो हमारे लाइफ को आरामदायक बनाता है, कंफर्टेबल बनाता है, जिसमें कुछ तो हमारी आवश्यकता जो होती है वो अनिवार्य आवश्यकता है, कंपलसरी होता है, और कुछ होता है जिसको हम लोग कहते हैं भोग विलासिता संबंधित, है ना, जो हमारे जीवन को आरामदायक बनाता है, जिसमें टेलीविज़न, एयर कंडीशन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, फैन, गैस, ये सब जो है हमारे लाइफ को कंफर्टेबल बनाता है, आरामदायक बनाता है। ठीक है, बिसाइड दिस वी ऑल्सो यूज ऑटो रिक्शा, ट्रेन, बसेस, एरोप्लेन्स एक्सेट्रा टू ट्रेवल
ऑल दीज आर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स एज दे आर मेड इन फैक्ट्री। और ये जो सारी वस्तुएं हैं इनका निर्माण जो है फैक्ट्रियों में होता है, फैक्ट्रीज में होता है, है ना, इंडस्ट्रीज में होता है, ठीक है। और इनको इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और जो भी उत्पाद कहा जाता है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे वेरियस अप्लायंसेस की, जिसके इस्तेमाल से हमारा लाइफ जो है वो कंफर्टेबल बनता है, आरामदायक बनता है, और इनका निर्माण जो है वो फैक्ट्री में किया जाता है, ठीक है। कई प्रकार के इंडस्ट्रीज होते हैं, अलग अलग प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है जिनमें डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इक्विपमेंट यूज द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड एंड द नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इंडस्ट्रीज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। इंडस्ट्री को दो ग्रुप में बांटा गया है ना, टाइप ऑफ इक्विपमेंट यानी उपकरण के हिसाब से, द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड एंड द नंबर ऑफ पर्सन कितने लोग उसमें काम करते हैं एम्प्लॉय, है ना, इसके आधार पर दो पार्ट में इसको बांटा गया, दो कैटेगरी है इसके, दो ग्रुप्स कह सकते हैं, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स और इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज। दो ग्रुप हैं इनके, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स तो दो तरह के इंडस्ट्रीज की बात कर रहे थे, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बात कर रहे थे, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल और दूसरा इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज। इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स में रॉ मटेरियल इज द बैकबोन ऑफ एनी इंडस्ट्री। अब मैंने जैसा आपको बताया कि रॉ मटेरियल से ही फिनिश गुड तैयार होता है, प्रोसेस के बाद जो इंडस्ट्री में या फैक्ट्री में उसको प्रोसेसिंग की जाती है, उसके बाद फिनिश गुड्स तैयार होता है। डिफरेंट काइंड ऑफ रॉ मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स। कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के रॉ मटेरियल्स अलग अलग प्रोडक्ट के लिए यूज में लाए जाते हैं इंडस्ट्री में। ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स इंडस्ट्रीज आर ऑफ टू टाइप्स। अब मटेरियल की बेसिस पर दो प्रकार का इंडस्ट्री बताया गया है, दो प्रकार का इंडस्ट्री बताया गया है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री और दूसरा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री गो हैंड इन हैंड। सम इंडस्ट्री यूज रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। जो रॉ मटेरियल जो इस्तेमाल किए जाते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के रूप में, है ना, ऐसे इंडस्ट्री को एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहा जाता है। यानी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट खेती से जो उत्पाद तैयार होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं रॉ मटेरियल के रूप में, तो ऐसे इंडस्ट्री को एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहा जाता है, ठीक है। जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कॉटन हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, खेत से प्राप्त करते हैं, है ना, पौधे से प्राप्त करते हैं, कॉटन के पौधे से, प्लांट से। शुगर इंडस्ट्री, शुगर केन से प्राप्त का यूज किया जाता है इसमें रॉ मटेरियल के रूप में। फूड इंडस्ट्री, खाने वाली चीज़ें, भोज्य पदार्थ जिसको कहते हैं, खाद्य पदार्थ, वो तैयार किया जाता है
ये सारे इंडस्ट्री जो है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहलाते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का इस्तेमाल रॉ मटेरियल के रूप में होता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, दूसरा जो आपका है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, दीज इंडस्ट्रीज यूज रॉ मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस मिनरल प्रोडक्ट्स, दीज इंडस्ट्रीज यूज रॉ मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस मिनरल, तो मिनरल का इस्तेमाल रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है, इस प्रकार के इंडस्ट्री को मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहा जाता है। ठीक है, जिसका इस्तेमाल मिनरल का इस्तेमाल रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है उसको मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्री, ATCR सब इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में मिनरल का इस्तेमाल किया जाता है रॉ मटेरियल के रूप में। ठीक है, दे आर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, और ऐसे इंडस्ट्री को मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका था डिफरेंट इंडस्ट्रीज, दो प्रकार की इंडस्ट्री मैंने आपको बताया, जिसमें मैंने आपको बताया इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स और दूसरा है इंडस्ट्री बेस्ड, तो ये था आपका इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल। और इसमें मैंने आपको बताया इंडस्ट्री बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स में दो तरह की इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज और सेकेंड है आपका मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। ठीक है, तो दो तरह की इंडस्ट्रीज हो गई, रॉ मटेरियल के आधार पे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, इसमें एग्रीकल्चर, इसमें जो है आपको एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जाता है एज रॉ मटेरियल। तो इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, फर्स्ट वन इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जिसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का इस्तेमाल रॉ मटेरियल के रूप में किया जाता है, दूसरा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज है इसमें मिनरल्स का इस्तेमाल किया जाता है रॉ मटेरियल के रूप में। ठीक है, दूसरा जो आपका है इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज के आधार पर, है ना, साइज के आधार पर इसको थ्री ग्रुप में बांटा गया है, थ्री टाइप में बांटा गया है,
इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज, साइज के आधार पर जो है इसको थ्री ग्रुप में बांटा गया है। इंडस्ट्रीज आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज, नंबर ऑफ वर्कर एंड अमाउंट ऑफ कैपिटल यूज। यानी साइज के आधार पे नंबर ऑफ वर्कर, उसमें काम करने वाले कितने वर्कर हैं, कितने लोग हैं उसके आधार पे, और क्या कैपिटल, कैपिटल यानी पूंजी जिसको कहते हैं, उसके आधार पे जो है देयर आर थ्री टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। फर्स्ट वन इज कॉटेज इंडस्ट्री, सेकंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, और थर्ड जो है आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ये साइज के हिसाब से देख रहा है, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल, और तीसरा जो है थर्ड वन लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बात की इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स। देयर टू टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल्स, फर्स्ट वन इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री एंड सेकंड इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अब हम लोग बात कर रहे हैं इंडस्ट्री बेस्ड ऑन साइज। ठीक है, साइज के हिसाब से तीन तरह की इंडस्ट्री होती है, थ्री टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। और ये जो इसको कैटेगराइज किया गया है, ये साइज के आधार पे, नंबर ऑफ वर्कर के या एम्प्लॉई के आधार पे, और अमाउंट ऑफ कैपिटल जो पूंजी लगती है उद्योग को शुरू करने में, इंडस्ट्री को शुरू करने में, उसके आधार पे ये तीन कैटेगरी बनाई गई है। ठीक है, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल, थर्ड इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन साइज, थ्री टाइप की इंडस्ट्री है साइज के आधार पर, कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं, बात करते हैं हम लोग कॉटेज इंडस्ट्री की। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होता है? सबसे छोटा ग्रुप है इंडस्ट्री का, जिसमें वेरी फ्यू पीपल काम करते हैं, है ना, दो तीन लोग, चार लोग से भी हम लोग इस इंडस्ट्री को शुरू कर सकते हैं, है ना। छोटा सा स्पेस इसके लिए चाहिए, इसके लिए बहुत बड़ा स्पेस नहीं चाहिए, छोटे से एक कमरे में भी शुरू किया जा सकता है इस इंडस्ट्री को। ठीक है, some people produce things in their own homes by employing few workers, sometimes all members of a family work together to produce different things. These industries do not require large capital. Cottage industry जो है सबसे छोटा रूप है इंडस्ट्री का, इसको एक कमरे में भी, अपने घर में भी शुरू किया जा सकता है, कुछ employee को रखकर, दो चार पाँच दस employee रख के इसको इंडस्ट्री को शुरू किया जा सकता है। बहुत बड़े कैपिटल या जिसको पूंजी कहते हैं, पूंजी की जरूरत नहीं होती है
ठीक है, और इस तरह के इंडस्ट्री को लोग अपने फैमिली मेंबर्स के द्वारा भी शुरू कर सकते हैं, फैमिली मेंबर्स को इंक्लूड कर लेते हैं एज अ वर्कर, ठीक है, और इसको शुरू किया जा सकता है। तो इस इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा बहुत बड़े स्पेस की आवश्यकता नहीं है, बहुत बड़े लैंड की आवश्यकता नहीं है, उसके साथ ही साथ बहुत ज़्यादा वर्कर्स की भी आवश्यकता नहीं है, और कैपिटल की भी आवश्यकता, बहुत बड़े कैपिटल की भी आवश्यकता नहीं है। इसको हम लोग 10-20-50 हज़ार में भी शुरू किया जा सकता है। लाख करोड़ के पूंजी की ज़रूरत इसमें नहीं है, बहुत सारे एम्प्लॉई की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ फैमिली मेम्बर्स भी जो है मिलके इसको शुरू कर सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो फिर 2-4-5 वर्कर को, एम्प्लॉई को रख के इसको शुरू किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार की इंडस्ट्री जो है वो कॉटेज इंडस्ट्री कहलाती है ना। अब इस प्रकार की इंडस्ट्री में क्या क्या बनाए जा सकते हैं, जैसे क्लॉथ वीविंग, कपड़े की बुनाई का काम, कारपेट मेकिंग का काम, हैंडीक्राफ्ट, हाथ से बने हुए सामान जो बनते हैं, शॉल वीविंग, शॉल की बुनाई का काम, ये सब जो है कॉटेज इंडस्ट्री में आता है, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि जो सबसे छोटा रूप है इंडस्ट्री का अकॉर्डिंग टू साइज, कॉटेज इंडस्ट्री, जिसको हम लोग एक कमरे में भी शुरू कर सकते हैं, 2-4-5 वर्कर को रख के, एम्प्लॉई को रख के, और थोड़ी सी पूंजी में, थोड़े से पैसे में उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरह की इंडस्ट्री में कपड़े बुनाई का काम है ना, सिलाई का काम इत्यादि किया जा सकता है, ठीक है। अगला जो आपका है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल यह इंडस्ट्री जो है वह कॉटेज इंडस्ट्री से बड़ा होता है ना। इसमें कैपिटल भी कंपेयर टू कॉटेज इंडस्ट्री ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है, नंबर ऑफ एम्प्लॉई भी ज़्यादा होते हैं है ना, और ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत पड़ती है, एरिया की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तीसरा जो आपका है उसको हम लोग डिटेल में नेक्स्ट क्लास में स्मॉल स्केल के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा आपको, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के बारे में। और थर्ड जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री, यह उससे भी बड़ा होता है, बड़े पैमाने पे इंडस्ट्री जो है, लार्ज स्केल मतलब कहा जाता है बड़े पैमाने पर जो इंडस्ट्री होती है उसको लार्ज स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। और यह लार्ज इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक इसके लिए लार्ज एरिया की जरूरत पड़ती है, बिग मशीन्स की जरूरत पड़ती है, एम्प्लॉई जो है एम्प्लॉई की संख्या 1000 में हो सकती है ना, और एक लार्ज कैपिटल की भी आवश्यकता पड़ती है, पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। साधारण लैंग्वेज में कहा जाए तो यह इस तरह की इंडस्ट्री जो है वो उसके लिए करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ रुपए की आवश्यकता पड़ती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। बड़े जगह की आवश्यकता पड़ती है, एरिया, लैंड एरिया जो है वो बड़ा होना चाहिए, और बड़ी बड़ी मशीनें लगानी पड़ती है, और बहुत सारे एम्प्लॉई होते हैं इसमें, हज़ार की संख्या में भी एम्प्लॉई हो सकते हैं। तो इस तरह की इंडस्ट्री लार्ज स्केल इंडस्ट्री होती है, और इसमें आयरन स्टील प्लांट से लेके कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, ठीक है, रेलवे कोचिंग इंडस्ट्री, रेलवे इंजन इंडस्ट्री आते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसकी चर्चा डिटेल में नेक्स्ट क्लास में करेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की चर्चा करेंगे और लार्ज स्केल इंडस्ट्री की भी बात हम लोग डिटेल में करेंगे। तो आज की क्लास में बच्चों बस मैं अपने क्लास में यहीं पर समाप्त करता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अवर इंडस्ट्री चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।